तो है, और क्या है, तू का चिल्ला लग रही है क्योंकि आप कर रहे हो, इसलिए काटने की बात है ना, सस्ता है के लिए दिखाओ इसको, तुमने काटने के लिए मना किया था ना, इसलिए हम लाए नहीं ऐसी चीज, ये लो बात खत्म, हमें पता था कि आप ऐसी कहोगे इसलिए, चलो क्या काटना, कहां कैंडल, क्या करूं, तो इसलिए तो आपने कहा लो काटो, खाओ एंजॉय करो, और क्या आप बना कर था उसको खाओ लो, जब कहते काटना नहीं होगा, कहते के करो, नहीं 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 ये था काटना ही नहीं था आपको, अब नहीं जा दो काट, अब मैं बताऊं मैं काटूंगी, मैं के काटूंगी, ये लायो खा लो, इसे क्या काटो मैं, अब तो नहीं काट लो, इसे काट लो, इसे आप खाओगे, अरे एक खा लो, कसम एक एक ही तो है, एक एक ही तो है, और क्या क्या है, ये है क्या, पता नहीं क्या है, ये कुछ पेस्ट्री सी है, पाकिस्तान कुछ तो है, पर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, और आपने मेरा बर्थडे व्लॉग देख लिया है पीछे, और उसमें थोड़ा सा जो घोटो पे डांस कर रहे हैं वो हमारे बिल्डिंग में हो रही थी उस दिन, तो उसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, और ये नेक्स्ट डे की है, अब मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड के यहाँ कीर्तन है और वैभवलक्ष्मी का उद्यापन है, तो वहाँ पर जा रही हूँ, तो बस ये इनके साथ निकल रही हूँ, और वहाँ पर आप लोगों को दिखाती हूँ कीर्तन कैसा हो रहा है, और उसके बाद अगला जो नेक्स्ट डे का वीडियो वो भी इसमें ऐड है, तो आप लोग देखिए पूरा वीडियो,
कोठी रे बंगला बेटी सजता रहेगा, फूलों की बारिश बेटी होती रहेगी। अरे कोठी रे बहना तेरी फुलवारी सजेगी, अरे दे दे बधाई बेटी बंगले। भाई बंगले की बधाई मांग रहे हैं, हम तो पहली बार आए आज बंगले में है? तो आज तो हम पहली बार की लेंगे, फिर भी लेंगे, फिर लेंगे जब तेरा और बनेगा। जल्दी देगी ना तो अब की दे दो, ये तो दी जन्मदिन की बंगले की तो बधाई देंगे। मुबारक मुबारक ये बंगला तुम्हारा, मुबारक मुबारक ये बंगला तुम्हारा, सदा खुश रहो ये दुआएं हमारी, सदा खुश रहो। ले बंगले की बधाई दे, अभी बंगले की बधाई दे, ये दूसरा बंगला बनेगा तो हम दूसरे की लेंगे। भाई आज कैसे छोड़ते हैं, हम पहली बार बोल रहे हैं, कहते हैं ना भैया से क्या मांगा। और बस यहाँ पे हम लोग निकल लिए, ये नेक्स्ट डे की है क्योंकि उस दिन मुझे मॉर्निंग में जल्दी जाना था, तो वहाँ का कीर्तन का भी बस थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाई हूँ क्योंकि अध्यापन भी था, तो फिर कौन बनाता है, इस वजह से फिर मैंने बनाया नहीं आगे वीडियो। और यहाँ पे बस रेडी, जल्दी रेडी हुई थी, बहुत जल्दी रेडी हुई थी, और बस इतना लेट हो गए थे निकलने में क्योंकि जो साड़ी थी ना बहुत टाइम बाद पहनी थी, उसको ब्लाउज नहीं आ रहा था, तो टाइट हो गया, जल्दी इसको ठीक किया। और ये देखो ये जो हाईवे है, ये है मेरठ वाला हाईवे, और यहाँ पर कितना अच्छा हो गया, पहले दो दो घंटे थे और अब आधे घंटे में हम मिनट पहुंच जाते हैं। तो योगी जी ने बहुत अच्छा ये मतलब इतना अच्छा डेवलप किया है ना मोदी जी ने और योगी जी ने, बहुत ही अच्छा। इसी मैं पहले भी सोचती थी जब जाती थी, हमें दो दो घंटे बिजी होता था इस रूट पे कि भगवान कोई ऐसा रास्ता बन जाए कि जल्दी से पहुंचा दे। तो देखो इसको रास्ते को देख के तो बहुत ही अच्छा लगा है कि आधे घंटे में हम दिल्ली से और मेरठ पहुंच जाते हैं, तो ये बहुत ही आसान रहा है। आप लोग बताइए, आप सबको भी अच्छा लगा, आपको भी ऐसे ही लगता है जैसे मैंने सोचा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और आपको कैसी लगी वीडियोज़ आप ज़रूर बताना। और आपको अगर अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके बताना, अगर मैं वीडियो आपको मेरे ब्लॉग पसंद है तो ज़रूर बताना कमेंट करके, तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी। अदरवाइज़ आपको पता है मैंने इतना गैप कर दिया था इसी वजह से कि समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, क्यों नहीं मेरे व्यूज़ आते हैं, क्यों नहीं आप लोग लाइक करते हैं, तो इसी वजह से मैं बंद कर दिया था बीच में बनाना। और अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब लोग सब्सक्राइब करा दीजिए। तो थोड़ा सा लगता है ना कि जब सब्सक्राइब नहीं कोई करता है तो मन उदास हो जाता है कि मेहनत करके भी क्या फ़ायदा जब कोई कुछ करता नहीं है, इतने साल हो गए। लेकिन देखने वाले सब लोग सोचते होंगे इसको जिन्हें क्या मिल रहा है, ये इसमें लगी हुई है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल रहा होगा इसको, ये लगी हुई है। पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, मुझे दो तीन साल हो गए इस पर लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है इसमें, क्योंकि वही है ना, मेहनत कर रही हूँ पर कुछ आई नहीं, रिव्यूज़ वगैरह तो आप लोग देखते ही नहीं हो तो कहाँ से कोई कुछ मिलने वाला है। और आप देखते भी हो तो ऐड स्किप कर देते तो वैसे कुछ नहीं मिलता, ऐड आप पूरे देखोगे तभी तो थोड़ा बहुत होगा। तो इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, आप ऐड को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए ना। और देखो सूरज ढल रहा था तो मैंने थोड़ा सा स्की भी वीडियो बना ली, बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम, क्लियर चमक रहा था। और थोड़े पिक्स वहाँ के खींचे थे जहाँ पे हम गए थे, ये हम गए थे एंगेजमेंट पे, तो ये वहाँ के पिक्स हैं। और वहाँ ससुराल की तरफ उस साइड गई थी मैं, मतलब ये जेठानी के मायके, तो ये वहाँ का था, तो हम लोग तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा चलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ। और चलिए आप धमाकेदार वीडियो आने के लिए रेडी हैं, आगे आगे देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना देखने से पहले। चलिए बाय।